सारे लोगों को भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत। दूर दूर से पूरे गोवा से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों माए मोगाचो नमस्कार। आज गोवा का लिबरेशन डे है। आज से 55 साल पहले गोवा को लिबरेशन मिला था। आप सब लोगों को, पूरे देश को, गोवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात की। लेकिन 55 साल पहले विदेशियों को उठा के बाहर फेंका था। आज इसी दिन पूरा गोवा शपथ ले रहा है कि इस बार करप्शन को उठा के बाहर फेंकना एक नया गोवा लिबरेशन डे को ये हमेशा करेंगे। पिछले कुछ महीनों में कई बार गोवा आने का मौका मिला, गोवा के लोगों से बातचीत की, चारों तरफ लोग एक ही बात कर रहे हैं कि सर बहुत हो गए पॉलिटिशियंस, सबको देख लिया, बीजेपी वाले पॉलिटिशियंस, कांग्रेस वाले पॉलिटिशियंस, एमजीपी के लोग, अब पॉलिटिशियन से काम नहीं चलेगा, हमें आम गोवा के लोग विधानसभा के अंदर चाहिए, गोवा के आम आदमी हमें विधानसभा के अंदर चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं पॉलिटिशियन अब नेता नहीं चाहिए, सब नेताओं को ट्राई करके देख चुके हैं, सब नेता झूठ बोलते हैं, चुनाव के पहले कुछ बोलते हैं, चुनाव के बाद मकर जाते हैं, अब हमें आम लोग चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? चुनाव लड़ने के लिए तो खूब पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए तो खूब आदमी चाहिए, खूब रिसोर्सेस चाहिए, आम लोग विधानसभा में जाके कैसे बैठ सकते हैं? 2 महीने के बाद चुनाव है, गोवा का चुनाव है। 2012 के अंदर कांग्रेस से तंग आके गोवा के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस से इतने तंग आ चुके थे, कांग्रेस से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, उनका हर नेता कहीं ना कहीं किसी स्कैम में फंसा हुआ था। पीपल गॉट फेड अप, इट वॉज नॉसिएटिंग, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ऐसे ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी इज अ हार्डकोर क्रिमिनल पार्टी, लेकिन लोगों ने मनोहर पर्रिकर के अंदर एक उम्मीद देखी। लोगों को लगा कि मनोहर पर्रिकर उम्मीद देगा, कुछ गोवा के लोगों को होप देगा। लोगों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया जो कभी जिंदगी में ना दें, और बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन आज 5 साल के बाद गोवा के वो सारे लोग कह रहे हैं कि धोखा हो गया, पर्रिकर ने भी धोखा दिया, बीजेपी ने भी धोखा दिया। जितनी भ्रष्ट कांग्रेस थी उतनी भ्रष्ट ये लोग निकले, जित डबल। जितने वादे पर्रिकर साहब ने किए थे, जितने वादे चुनाव के पहले, हर एक के ऊपर यू टर्न कर रहे। ये जो चुनाव है गोवा का 2 महीने के बाद, ये गोवा आपका, ये चुनाव आपका भविष्य बदल सकता है अगर आप सब लोग इकट्ठे हो जाए तो। 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था। दिल्ली के लोग भी बहुत तंग हो गए थे बीजेपी से, कांग्रेस से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस से, पूरा इन्होंने सेटिंग की हुई है दोनों पार्टियों ने। एक बार तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूट लेंगे, जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई है। बड़ा अच्छा इन दोनों ने सेटिंग की हुई है। दिल्ली के लोग भी तंग आ गए थे, दिल्ली के लोग भी कह रहे थे हमें आम लोग चाहिए विधानसभा के अंदर, और दिल्ली के लोगों ने करके दिखा दिया।
70 में से 67 सीट 67 आउट ऑफ 76 में पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे देश में रिकॉर्ड बन गया। पूरे देश में आज तक कभी किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली, पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बन गया, पूरी दुनिया में कभी किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली। मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं, ये जो आम आदमी है ना, ये जो सामने बैठा है आम आदमी, ये बड़ा पावरफुल है, इसको हल्के में मत लेना। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ चैलेंजिंग द कॉमन मैन। आम आदमी बड़ा ताकतवर है, इसको कभी चैलेंज करने की हिम्मत मत करना। दिल्ली के अंदर करके दिखाया लोगों ने, 1.5 साल हो गया दिल्ली के अंदर सरकार बने हुए, और जो हमने कहा था, आज दिल्ली के लोग दो चीज मानते हैं, आपका किसी कोई रिलेटिव अगर दिल्ली में, अगर कोई आपका दोस्त दिल्ली में, उसको फोन करके पूछना, दो चीज दिल्ली के लोग मानते हैं, एक ये कि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, इनको कोई खरीद नहीं सकता। हमारे विरोधी भी, विपक्षी पार्टियां भी मानती हैं, वो लोग ये तो कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, लेकिन मैं लड़ता लोगों के लिए हूं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता। तो दो चीज मानते हैं, एक तो ये कि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, इनको कोई खरीद नहीं सकता, और दूसरा ये जो कहते हैं वो करते हैं, यूटर्न नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था दिल्ली में करप्शन खत्म करेंगे, दोस्तों 49 दिन की सरकार बनी जब हमारी पहली बार, 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर करप्शन लगभग खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप जाते थे, 49 दिन के अंदर हमने 32 ऑफिसर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया था, पूरे ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया था, या अगर कोई दिल्ली में रिश्वत लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। 49 दिन के अंदर दिल्ली में करप्शन खत्म हो गया। 3 FIR हमने चुनाव के दौरान कहा था कि शीला दीक्षित पैसे खाती है, 49 दिन की सरकार में 3 FIR दर्ज करवाई थी हमने शीला दीक्षित के खिलाफ, और 1 FIR दर्ज करवाई थी मुकेश अंबानी के खिलाफ, बाय नेम FIR दर्ज कराई। बीजेपी कांग्रेस वालों को मुकेश अंबानी का नाम लेने में भी डर लगता है अपने मुंह से, उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई थी। और जब हमारी दोबारा सरकार बनी, मोदी जी डर गए, उनको लगा ये कुछ ना कुछ और कर गड़बड़ करेंगे। एक दिन नरेंद्र मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, आज तक उनका कब्जा है एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग के ऊपर, हमसे छीन लिया एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग। लेकिन हमने अपनी लड़ाई नहीं रोकी करप्शन के खिलाफ, हमारी करप्शन के खिलाफ लड़ाई जारी रही। जितने सरकारी काम आज हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, हर काम के अंदर पैसा बचा रहे हैं हम लोग, हर काम के अंदर पैसा बचा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक पुल बना, 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, सैंक्शन कॉस्ट 325 करोड़ रुपीस, हमने 200 करोड़ रुपए के अंदर बना के पूरा कर दिया। आपने कभी सुना नहीं होगा भारत के इतिहास के अंदर, यहां पे मांडोवी रिवर के ऊपर एक पुल बन रहा है, मांडोवी रिवर के ऊपर उसका इनिशियल कॉस्ट था 400 करोड़ रुपए, और अभी वो 800 करोड़ रुपए उसका ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो चुका है। गोवा के अंदर 400 करोड़ का पुल बीजेपी और कांग्रेस वाले 800 करोड़ में बनाते हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ रुपए के अंदर। हमने 5 पुल बनाए दिल्ली में 1 साल के अंदर, 5 पुलों के अंदर 350 करोड़ रुपीज भी सेव, 350 करोड़ रुपए बचा लिए। फिर मैंने मीटिंग बुलाई अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की, हमने कहा इस पैसे का क्या करें, तो हमने तय किया इन सारे पैसे से सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए, सबके लिए। एजुकेशन सेक्टर में इतना करप्शन था, एजुकेशन सेक्टर के अंदर करप्शन बंद किया, और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, दुनिया भर से लोग आके दिल्ली के सरकारी स्कूल देख रहे हैं। दिल्ली में जो नए गवर्नमेंट स्कूल्स बन रहे हैं उसमें स्विमिंग पूल्स हैं, लिफ्ट हैं। कभी आपने सुना था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल, लिफ्ट,
लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवा रहे हैं, सारी एजुकेशन फ्री है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। हेल्थ, इतना करप्शन था हेल्थ सेक्टर के अंदर, इतना करप्शन था हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो सारा खत्म किया। आज दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, लंदन में, फ्रांस में फ्रंट पेज के ऊपर उनकी खबरें छप रही हैं। एक खबर छपी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। एक जमाना था जब हम कहा करते थे कि इंडिया को अमेरिका से सीखने की जरूरत है, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हमें दिल्ली से सीखने की जरूरत है। हम ये सब गोवा के अंदर करना है, लेकिन एक चीज है, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक दिन मेरे पास एक एसएमएस आया, उस एसएमएस में लिखा था, अरविंद जी आपका एक मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो, उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा मंत्री 6 लाख रुपए मांग रहा था उसमें। मैं सोच रहा था कि अगर पारसेकर साहब होते तो क्या करते, अगर कांग्रेस के नेता होते तो क्या करते। अभी तक एसएमएस उसने भेजा, मीडिया वालों को भी पता नहीं था, ऑपोजिशन पार्टी वालों को पता नहीं था, तो बीजेपी कांग्रेस वाले होते तो क्या करते। वो एसएमएस वाले को बुलाते, कहते देख किसी को बताना होगा 3 लाख तू रख ले। हमने ऐसा नहीं किया। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपनी आत्मा को हम कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे, अपनी आत्मा से कैसे बात करेंगे। तुरंत मैंने 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने मंत्री को कैबिनेट से बाहर निकाला, सीबीआई को केस ऑफ दिया और मंत्री को जेल भेज दिया। मर जाएंगे, कट जाएंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे किसी का। मैं मानता हूं हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती है, हम बहुत सीधे लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, कंसील, वी डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, हम बहुत आम लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं। आज आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अभी बहुत सारे वाल्मीकि ने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस वालों ने गोवा को ड्रग्स का अड्डा बना दिया है, कौन ठीक करेगा इसको? बीजेपी ठीक करेगी? कांग्रेस ठीक करेगी? पारसेकर साहब ठीक करेंगे? इन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस वालों ने प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया है, ड्रग का अड्डा बना दिया है, गैम्बलिंग का अड्डा बना दिया है। अभी ऑस्कर ने कहा कि सारी लड़ाई जमीनों की है, माइंस की है, फॉरेस्ट्स की है, कौन बचाएगा फॉरेस्ट को, कौन बचाएगा जमीनों को? बीजेपी बचाएगी, पारसेकर साहब बचाएंगे, कांग्रेस बचाएगी, आम आदमी बचाएगा, आप लोग बचा सकते हो, गोवा को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मुझे बहुत फक्र हो रहा है आज आप सब लोगों के सामने, गोवा के सारे लोगों के सामने। आज एक तरह से जितने लोग यहां सामने बैठे हुए, दे रिप्रेजेंट गोवा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गोवा, अपने इन सारे कैंडिडेट्स को प्रेजेंट करते हुए। अभी कुछ कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट होना बाकी है लेने के, लेकिन एक चैलेंज है बीजेपी और कांग्रेस वालों को। हमने ठोक बजा के कट्टर ईमानदार लोगों को टिकट दिया है, कैंडिडेट बनाया है। आम आदमी पार्टी हमेशा चैलेंज करती है, 4 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 4C, कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। अगर इन चारों के बारे में आप सबूत हमें दे दोगे, चुनाव के 1 दिन पहले भी सबूत दे दोगे, हम सीट खाली छोड़ देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे उस सीट से, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज इन सारे कैंडिडेट्स को प्रेजेंट करते हुए मुझे फक्र हो रहा है, और मैं चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस वाले भी इसी तरह से ईमानदार कैंडिडेट्स प्रेजेंट करें, लेकिन वो करने वाले नहीं है, उनके पास ईमानदार लोग ही नहीं है उन लोगों के पास। लेकिन इन सारे कैंडिडेट्स के अंदर एक हीरा है, उसका नाम है एल्विस गोम्स। आप सब लोग पूरा गोवा जानता है, जिस आदमी को जिंदगी में कभी करप्शन करने का मौका ही ना मिला हो और वो कहे मैं ईमानदार हूं तो गड़बड़ है। एल्विस पूरी जिंदगी 20 साल तक
गोवा की एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, चाहता तो करोड़ों रुपए बचा बना सकता था, बहुत सीनियर ऑफ पोजीशन पे रहा, एक पैसा नहीं बनाया, एक पैसा नहीं बनाया। He's a dead honest officer। और ये मैं नहीं कह रहा, गोवा के लोग कह रहे हैं, चारों तरफ जहां मैं जाता हूं गोवा के लोग बोलते हैं और सभी धर्मों के लोग उनकी इज्जत करते हैं, हिंदू मुस्लिम्स क्रिश्चियंस, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, एवरीवन लव्स हिम। उन्हें गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स पता है, कहां क्या लूपहोल है, किस लूपहोल से करप्शन होता है, वो गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर सकते हैं, वो गोवा की गवर्नेंस को समझते हैं, वो गोवा के कल्चर को, इज द सन ऑफ द सॉइल, वो गोवा के कल्चर को समझते हैं और गोवा के कल्चर के लिए, गोवा के कल्चर को बचाने के लिए, गोवा को करप्शन से बचाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दी। आप लोगों के सामने बैठे आज, आप लोगों के सामने एक प्रपोजल लेके आया हूं। आई प्रपोज Elvis Gomes as the next Chief Minister of Goa. एक बार खड़े होकर सब लोग, मंजूर है, मंजूर है, जिंदाबाद। ये लड़ाई एल्विस की नहीं है, ये लड़ाई कैंडिडेट्स की नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई गोवा के कल्चर को बचाने की है, ये लड़ाई गोवा के टूरिज्म को, गोवा की जमीन को, गोवा के फॉरेस्ट को बचाने की लड़ाई है। आप लोगों को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक तरफ पारसेकर साहब है और एक तरफ एल्विस है। जिन लोगों को पारसेकर पसंद है वो बीजेपी को वोट देंगे, जिन लोगों को एल्विस पसंद है वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अब ये मैसेज आप लोगों को घर घर तक पहुंचाना है, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। ये जितने कैंडिडेट सारे फक्कड़ हैं, इनमें से एक तो हो सकता है थोड़े बहुत पैसे उनके पास, बाकी सारे फक्कड़ हैं, इनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। तो आज यहां जितने लोग बैठे हैं सबको आज कसम खा के जानी पड़ेगी, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आज सबको कसम खा के जानी पड़ेगी। एक एक आदमी अगले दो महीने में कम से कम 100-100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करेगा। मंजूर है? जिन लोगों ने दो दो हाथ उठाए उनके 200-200 वोट उनके नाम पर। अब एक दूसरी बात जो बहुत जरूरी बात है, मैं पूरे देश की तरफ से आप लोगों के सामने देश को बचाने की भीख भी मांगने आया हूं। आज डीमोनेटाइजेशन के नाम पे देश में एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। मैं सुबह से गोवा में हूं, गोवा के कई लोगों से मिला, उन्होंने भी बताया कि गोवा के अंदर पीपल आर इन डिस्ट्रेस, टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, होटल खाली पड़े हैं, ऐसे जबकि पीक सीजन है, ऐसे समय में फिशरीज वाले बेचारे उनका धंधा बंद हो गया है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, उनका घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, पूरे देश में घूम रहा हूं इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे बोला था कि हम भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? 1% भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बढ़ गया है, बढ़ गया है। काला धन खत्म हुआ? बढ़ गया है। जितने लोग डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ है जरा हाथ खड़े करें,
ये कैमरे वाले थोड़ा कैमरा घुमा लीजिए, कैमरे वाले ज्यादा दिखाते हैं कि पीपल आर सपोर्टिंग दी मोनेटाइजेशन। टीवी वाले दिखाओ, टीवी वाले। एक और चीज भ्रम फैलाया जा रहा है चारों तरफ, कहा जा रहा है डी मोनेटाइजेशन की स्कीम तो अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन खराब है। डी मोनेटाइजेशन की स्कीम भी खराब है, मोदी जी की नीयत भी खराब है। मैं साबित करूंगा आपके सामने, मोदी जी की नीयत भी खराब है और इंप्लीमेंटेशन भी खराब है। कह रहे काला धन में इनकम टैक्स में कमिश्नर था पहले, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में भी समझता हूं। उन्होंने कहा 500-500 हजार हजार के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाके हम लोग करप्शन दूर करेंगे। मैं बंदे सोच रहा था अगर आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है, अभी तक आप 1-1 हजार के 100 नोट अपनी जेब में डाल के ले जाते थे, अब मोदी जी ने बड़ा कन्वीनियंट कर दिया, आपको 85 नोट लेके जाने पड़ेंगे 1 लाख रुपए के रिश्वत। तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, ब्राइबरी कैसे दूर होगी, और कितने केसेस जब से नोटबंदी हुई है डिमोनेटाइजेशन हुआ है, देयर बीन सेवरल केसेस ऑफ करप्शन दैट हैव कम टू लाइट, की खूब धड़ल्ले से करप्शन चल रही है, बैंकों के अंदर करप्शन चल रही है, बैंक के मैनेजर पैसे खा रहे हैं नोट बदलने के लिए, गलत तो नहीं करा। कह रहे हाँ आई एम कमिंग टू सस्पेंस, डोंट वरी। तो करप्शन भी चल रहा है, मोदी जी कहते हैं 2-2 हजार के नोट बंद के काला धन खत्म करेंगे। पहले एक कमरे में अगर 1000-1000 के नोट से 100 करोड़ रुपए इकट्ठे होते थे, अब उसमें 200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, उनकी भी सहूलियत कर दी मोदी जी ने। तो ये हो क्या रहा है इसका, अगर करप्शन दूर करना होता मोदी जी को, अगर ब्लैक मनी दूर करना होता मोदी जी को, तो क्या करते मोदी जी? मोदी जी के पास एक फाइल है, उसमें जिन जिन लोगों के स्विस बैंक में, मैंने वो फाइल देखी है क्योंकि मैं पहले इनकम टैक्स में था, मेरी जान पहचान है इनकम टैक्स में। मोदी जी के पास एक फाइल है, 2011 में वो फाइल आई थी फ्रांस से, उसके अंदर 648 लोगों की लिस्ट है जिन जिन लोगों के स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं, 648 नेम्स, ऑलमोस्ट द हूज हू ऑफ इंडिया इज देयर इन दैट लिस्ट, सारे बड़े बड़े लोगों के नाम है, उसमें मुकेश अंबानी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, नरेश गोयल का नाम है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है। पहले कांग्रेस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, अब मोदी जी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनके दोस्तों के नाम है उसके अंदर। अगर एक्चुअली मोदी जी को करप्शन दूर करना था, अगर एक्चुअली मोदी जी को काला धन खत्म करना था, सबसे पहले वो 648 लोगों को जेल में भेजो, देखो शाम तक करप्शन दूर ना हो जाए तो। उनको जेल में नहीं भेजेंगे, अभी करप्शन लेने वाला भी वहीं बैठा है, पैसे देने वाला भी वहीं बैठा है, 1000-1000 के नोट पहले एक्सचेंज होते थे, 2-2 हजार के नोट एक्सचेंज हो रहे हैं, बदला क्या? वैसा का वैसा सिस्टम, करप्शन करने वाले भी वही है, करप्शन देने वाले भी, सब लोग वही है। जैसे हमने दिल्ली में करके दिखाया था, 49 दिन के अंदर 32 ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर दी। अगर आज मोदी जी अगर करप्शन दूर करना चाहते हैं, काला धन दूर करना चाहते हैं, इन 648 लोगों को शाम तक जेल में भेज दो, करप्शन दूर हो जाएगा देश। मोदी जी बोली करेंगे तो मोदी जी का मकसद करप्शन दूर करना नहीं था, मोदी जी का मकसद काला धन दूर करना नहीं था, फिर क्या मकसद था? क्या मकसद था? क्यों किया इतना डिमोनेटाइजेशन और पूरे देश को इतने प्रॉब्लम में क्यों डाला मोदी जी ने? अभी आता हूं, आता हूं। ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, कैसे है? बड़े बड़े लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, अमीर लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन मोदी जी के दोस्त डकार गए, खा गए। ये मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। 8 लाख करोड़ रुपए का लोन बड़े बड़े अमीर अरबपति सुपर रिच डुपर रिच वो लोग खा गए। सीएजी ने भी 3 महीने पहले बोला था अपनी स्पीच में, इसमें से 50% बाहर भेज दिया इन लोगों ने और बाकी फ्रॉड करके खा गए। वो लोन माफ करना है उनको,
आप कहेंगे केजरीवाल तो यही बोलता है, मैं इसका सबूत दूंगा। पिछले दो साल में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इस 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ 1,14,000 करोड़ का लोन मोदी जी ने माफ कर दिया बड़े बड़े लोगों का। फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट दो किस किस का लोन माफ किया। 10 महीने हो गए मोदी जी लिस्ट नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट को किस किस का लोन माफ किया। इतने किसान बैठे हैं, ट्रेडर्स बैठे हैं, व्यापारी, आप में से किसी का लोन माफ किया तो हाथ खड़ा करके बताओ। आपका लोन माफ नहीं किया उन लोगों का। आप जब लोन लेते हो, कार का लोन लेते हो, एक अगर इंस्टॉलमेंट आप ना दो, बाउंसर भेज देते हैं मोदी जी आपके घर। मैं पूछना चाहता हूं जिन 1,14,000 करोड़ लोगों का जिनका लोन माफ किया, कितनी बार बाउंसर भेजे उनके घर? एक बार भी नहीं भेजे। उनका लोन माफ कर दिया, बैंक खाली हो गए, बैंक लुट गए, बैंकों का दिवाला निकल गया। तो अब 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना है तो मोदी जी ने और अमित शाह ने बैठ के एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, षड्यंत्र रचा कि 500-500 हजार के नोट बंद कर देते हैं, जब लोग जमा कराएंगे उनका पैसा आएगा उसमें से माफ कर देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने अपना पैसा ठिकाने लगाया अमित शाह ने और बीजेपी का, और अपना जितना काला धंधा सारा ठिकाने लगाया इन लोगों ने। फिर अपने दोस्तों को बताया कि भाई 8 नवंबर से हम नोटबंदी करने जा रहे हैं, अपना पैसा ठिकाने लगा लो। उन्होंने सबने ठिकाने लगा लिया अपना पैसा, और 8 नवंबर को 8 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया 500-500 हजार के नोट नहीं चलेंगे। आप लाइनों में लग रहे हो, आप लाइनों में लग रहे हो, जितना पैसा आपका जमा हो रहा है उसमें से 8 लाख करोड़ रुपया इनका लोन माफ करने के लिए जाएगा। विजय माल्या का नाम किस किस ने सुना है, हाथ खड़ा करिए, सब लोग जानते हैं विजय माल्या, ये जो सुपर रिच मैन, उनके पास 9,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन था, 9,000 करोड़ रुपए का। मार्च के महीने में एक दिन मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया, देश के बाहर भेज दिया। जब सब मीडिया वालों ने पूछा तो कहते पता नहीं चला, एक आदमी हवाई जहाज में बैठ के लंदन भाग गया, आपको पता नहीं चला कैसी सरकार चला रहा है। वहां इमिग्रेशन होता है, पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, सिक्योरिटी होती है, सीआरपीएफ होता है, इतनी सारी एजेंसी होती है। एक आदमी अपना हवाई जहाज लेके आपके एयरपोर्ट से उड़ के भाग गया, आपको पता नहीं चला। आप कह रहे हैं हम लंदन की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। चलिए मान लिया आपकी बात, आपको पहले पता नहीं चला, आप लंदन की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते लास्ट वीक जब आप लाइनों में लग के अपने पैसे जमा करा रहे थे, जब आप लाइनों में लग के 2,000 रुपए के नोट निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, पिछले हफ्ते विजय माल्या के 1,200 करोड़ का लोन माफ कर दिया मोदी जी, 1,200 करोड़ अभी माफ किया है। 63 लोगों का 6,000 करोड़ का माफ कर दिया लोन पिछले हफ्ते, अभी एक हफ्ता पहले जब सारा देश लाइनों में लगा हुआ। तो ये पूरा का पूरा घोटाला, 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, 8 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ करने इसलिए किया जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं किया जा रहा, कोई काला धन खत्म करने के लिए नहीं किया जा रहा, ये केवल अपने दोस्तों का लोन माफ करने के लिए किया जा रहा। अब एक मन में क्वेश्चन उठता है, आपके भी उठेगा कि विजय माल्या का 1,200 करोड़ क्यों माफ कर रहे हैं, क्वेश्चन उठता है कि नहीं मन में? क्या रिश्ता है मोदी जी का विजय माल्या के साथ? 1,200 करोड़ रुपए ऐसे थोड़े होते हैं, कोई 12 रुपए थोड़े होते हैं। 1,200 करोड़ का लोन माफ किया, कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे मोदी जी ने। मोदी चोर, आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ श्री नरेंद्र मोदी इन द कंट्री, लेकिन मैं भी पहले ये मानता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास एक महीना पहले कुछ कागज आए हैं, वो कागज ये शक पैदा करते हैं कि मोदी जी रिश्वत लेते हैं। यहां बैठे हुए कितने लोगों को लगता है मोदी जी रिश्वत लेते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। ये कैमरा वाले थोड़ा कैमरा, मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, इनकम टैक्स वाले
उनका कंप्यूटर उठा के ले आए, लैपटॉप उठा के ले आए, फोन उठा के ले आए, रिकॉर्ड फाइल सब उठा के ले आए। बिड़ला के यहाँ ये वो फाइल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा, ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। हु वाज गुजरात सीएम एट दैट टाइम? मोदी सर। नरेंद्र मोदी जी के सामने लिखा है कि 25 करोड़ रुपए देने थे, 12 दे दिए, बाकी अभी देने बाकी हैं। अगर ये झूठ है तो इनको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी, जांच करानी चाहिए थी, मोदी जी को कहना चाहिए था जांच करो। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक इसकी जांच नहीं कराई उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, दबा दी सारी जांच। ये लोग मेरे ऊपर इतने इल्जाम लगाते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, जब भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं मैं कहते हैं जांच करा लूं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में कोई काला नहीं है। मेरे एमएलए 15 एमएलए के खिलाफ इन्होंने झूठे केसेस किए, हमने कहा जांच करा लो, कोर्ट में गए, सारे केसेस टूटते जा रहे हैं इनके। क्यों? क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, मोदी जी ने जांच नहीं कराई। इसका मतलब मोदी चोर, पैसे खाए थे। इसका मतलब मोदी चोर। कितने लोगों को लगता है मोदी जी ने बिड़ला से रिश्वत ली थी? 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई, एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला, उसी कमरे में कुछ लूज कागज मिले जिसमें हिसाब किताब था कि किस नेता को कितने पैसे दिए। वो कागज भी मेरे हाथ लग गए, इनकी किस्मत खराब है। इस कागज के ऊपर इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के साइन है अंकिता, इस कागज के ऊपर सहारा के एम्प्लॉय के साइन है, इस कागज के ऊपर 2 विटनेसेस के साइन है, और ये कागज क्या कहता है चश्मा? ये चश्मा हाँ, इस कागज में लिखा है 30th October 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जयसवाल जी। 12th नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जयसवाल जी। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जयसवाल जी। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही आ रहे हैं पैसे। इसके एक कागज में 7 एंट्रीज है मोदी जी के नाम की 40 करोड़ 10 लाख रुपए की। 2 साल हो गए, इसकी भी जांच नहीं कराई, और जिस तरह से ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया जो इस केस से डील कर रहे थे, जो ऑफिसर कुछ करने की कोशिश करता था उसका ट्रांसफर कर, इसका मतलब मोदी चोर है। तो इसका मतलब मोदी जी ने अगर सहारा से पैसे खाए हैं, मोदी जी ने अगर बिड़ला से पैसे खाए हैं, तो इसका मतलब विजय वालियों से भी लिए होंगे। इसका मतलब जो 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया, फ्री में नहीं किया, उनसे भी लिए होंगे। इसका मतलब जो 8,00,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करने जा रहे हैं, वो भी पैसे खा के करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को तो लाइन में लगा दिया, आपका टूरिज्म बर्बाद कर दिया, फिशरमैन को बर्बाद कर दिया, गोवा को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया पैसे खाने के लिए, करप्शन के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये 8,00,000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मीडिया वालों की मजबूरी है,
वो नहीं दिखाएंगे ये सब। ये आपको करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया में सब लोगों को बताना पड़ेगा, पूरे देश को आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है जो मोदी जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब देश का क्या होगा, मैं बहुत सोचता हूं इस बारे में। पूरे देश के अंदर सारी इंडस्ट्री बर्बाद होती जा रही है। मैंने उनसे पूछा मोदी जी से, मैंने कहा आप हमें एक डेट बता दीजिए जिस डेट के बाद जितना पैसा मैंने बैंकों में जमा कर रखा मैं निकाल सकता हूं। इट्स माय फंडामेंटल राइट। जितना पैसा मैंने खून पसीने की कमाई करके बैंकों में जमा कर रखा है, आप मुझे डेट बताइए कि कब तक कर सकते हैं। वो डेट बताने को तैयार नहीं। कुछ लोगों का एस्टिमेट है 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। एक एक हफ्ते में कह रहे हैं आप 24,000 रुपए। 24,000 रुपए में बिजनेस कैसे चलेगा? 24,000 रुपए में रेड़ी पटरी वाले का बिजनेस नहीं चलता। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री 24,000 में कैसे पैसा, कैसे काम चलाएंगे? तो पूरे देश को आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज टेल अस योर प्लान, व्हाट प्लान डू यू हैव टू रिस्टोर द इकोनॉमी बैक, इकोनॉमी को वापस, अर्थव्यवस्था को वापस ठीक करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों, एक मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक मिला, बोलता है सर 20 साल से हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पूरा परिवार हमारा बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन अब अपने सारे बच्चों को मैंने कह दिया किसी को वोट दे देना, बीजेपी को वोट अपनी जिंदगी में मत देना। तो आज पूरे देश की नजरें 2 चुनावों के ऊपर है, उत्तर प्रदेश का चुनाव और गोवा का चुनाव। पूरा देश गोवा के लोगों से भीख मांग रहा है कि इस देश के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री जी घूम घूम के कह रहे हैं कि लोग मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ हैं। इस बार चुनाव के अंदर दिखा देना अच्छी तरह कि लोग उनके साथ नहीं है, लोग डिमोनेटाइजेशन नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा जी इस बार तो उनको लाइन में जितने हमने खर्च किया है, टाइम खर्च किया है, एक एक मिनट का हिसाब लेंगे इस बार। लाइनों में लग लग के हमने पैसे जमा कराए हैं, अब लाइनों में लग लग के हम लोग बीजेपी को का बंटा धार करेंगे। तो दोस्तों, 2 प्रपोजल्स ये मेरे थे आपके सामने। वन इज दैट एल्विस गोम शुड बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, एंड द अदर इज प्लीज सेव दिस कंट्री। आने वाले चुनाव के अंदर घर-घर के अंदर जाके आपको यही बोलना है कि कुछ भी करो बीजेपी को वोट नहीं देना, और इस बार ईमानदारी के नाम पे वोट देना है। इस बार का गोवा का चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में है, जैसा ऑस्कर ने बताया, एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, एमजीपी, दे आर ऑल अ फैमिली, वो सब फैमिली का हिस्सा है, वो सब बेईमान है, और एक तरफ आपके पास आपकी अपनी पार्टी है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, हम आप ही में से एक है, एक तरफ आपकी अपनी पार्टी है। तो ये चुनाव, गोवा का चुनाव, गोवा के लोग एक तरफ हैं और ये सारी पार्टियां दूसरी तरफ हैं। अंत में अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।